काम करना के आवास के बारे में इतनी सारी पेश कर रहे हैं जनाब एहतराम नकवी साहब। मैं खदीवती से इस्तकबाल करना चाहता हूँ जो किसी और के मुताबिक नहीं है। एक वर्ष में बेहतरीन शायर, बेहतरीन नासिक, बेहतरीन खदीब। अब मैं शेर भी सुना सकता हूँ, जब हफ्ते तो सुनाऊंगा नहीं, आप सिर्फ सुनिएगा। उसे सब्र के उस इम्तिहान से गुजरे हैं, हुसैन सब्र के उस इम्तिहान से गुजरे हैं जहाँ वजूद पे साया भी बार होता है। हुसैन सब्र के उस इम्तिहान से गुजरे हैं जहाँ वजूद पे साया भी बार होता है। करम हुसैन का लाया था भूल नहीं आया, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد।
قدرت غور یا بات ہے کیا بات ہے تقدیر عشق اللہ کیا بات ہے غور کی شرف یہ رومال زہرا جس طرح قرآن کسی گھر میں رکھا ہو قرآن ہے یہ بھی ادب فلسفہ ہے کہ قرآن طاق کعبہ میں رکھا جائے جب بھی قرآن طاق کعبہ میں رکھا جائے جب بھی قرآن اسی طریقے سے افسانہ حدود کعبہ میں رکھا جائے جب بھی افسانہ اپنے گھر میں رکھا جائے جب بھی افسانہ اس کا مطلب کمال بیٹھنے والے کا ہوتا ہے جگہ بدلنے سے شخصیت نہیں تبدیلی آئے گی تو اب دین اور شریعت کا فرق واضح ہو گیا
दीन उसे कहते हैं जिसमें तब्दीली ना हो। शरीयत में तब्दीली का इम्कान वो भी पैगंबर से पहले। अब हमें देखना ही है कि हम किस इमामत को मानते हैं, हम किस विलायत को मानते हैं। ये विलायत दीन में है या शरीयत में? हम जिस विलायत को तस्लीम करते हैं ये विलायत दीन में है या शरीयत में? तो बताएगा वही बताएगा जिसने शरीयत दे दी, वही बताएगा जिसने दीन पर नाज़िल किया। आइए देखते हैं विलायत अली मुर्तज़ा, इमामत अली मुर्तज़ा दीन में है या शरीयत में? हमने जब कुरान पढ़ा उसने खुदा आया या अय्युहर रसूल बनने आ
शिमला कॉल करने की बात है, आप रात को अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ऐसा हमने या आपने या किसी मौलवी ने किसी तालिब ने किसी अभी मालिब ने ऐसा क्या कह दिया कि हम क्या दे रहे दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। अरे तू निकल जाएगा, मुकाम अल्लाह के बारे में सोच रहे, जब नफ्स नहीं रखता तो पसंद कैसे कर रहा, हम नहीं सोच रहे, आपने सोचने मजबूर किया, अल्लाह।
हुसैन को पसंद करते हैं। अब हुसैन को पसंद न करने का मतलब यह है अल्लाह की पसंद को ना पसंद करना। पसंद को ना पसंद करना बड़ा खतरनाक होता है। मुझे आप बहुत चाहते हैं, बेहद मोहब्बत फरमाते हैं, एक कार की उसके लिए साफ देखते थे आपके लिए कार ले रहे हैं, अल्लाह ने पैसे दिए वो कार ले लिया, कार ले लिया मुझसे मोहब्बत करते थे, आपने कहा ये पहली बार आप बैठे, पहली बार आप बैठे, हमने कार लिए बैठे हम कोई दूर चले थे हाईवे पे के अंदर को बना के कहा ये कौन सी कार है। वाह वाह वाह। तो जाके हुसैन हूँ मौलवी हूँ, आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे मगर साइड में गाड़ी करके दरवाजा खोलने के टाइम में खुला हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ इतना ही कहा था ये कौन सी कार है, इससे अच्छी तो वो वाली थी। आप मुझे हजार बार के कह रहे थे हमें बुरा नहीं लगता, आपने हमें पसंद को क्यों बुरा कहा। वाह वाह लड़ाई है बिलाल मियां
कामयाबी है। मौलाना हुसैन का वास्ता है, दुआएं चाहता हूँ। मकसद का कामयाब होना ही तो इनकी कामयाबी है। क्या मतलब का मतलब है? अगर मकसद कामयाब हो गया, ये मर भी गए तो ये कामयाब। कौन सी तुलझी की गुत्थी सुलझा दे।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसीलिए मकसद बनाए तो एक नबी एक इमाम नबूवत का काम कबला इमामत का काम मेरे सरकार इसका मतलब यह है खुदा हुसैन का वास्ता इसका मतलब यह है कि पहुंचाने के लिए चाहिए नबूवत मेरा हौसला ना बढ़ाया तो दिल टूटेगा इसलिए के बाद अपने वजूद से बैठ गया मरने से क्या पहुंचाने के लिए चाहिए नबूवत बचाने के लिए चाहिए नबूवत हो तो पहुंचाए इमामत हो तो बचाए तो मेरा सवाल है जब पहुंचाने के लिए नबी होना चाहिए मकसद बचाने के लिए इमाम होना चाहिए तो उस ज़ैनब बीवी के पास कौन सा मंसब है जिससे हुसैन कह रहे पहना तुम्हें पहुंचाना भी है रुमाल लेके आपके दरमियान
नहीं जानता मेरा घर उल बेटी के बाबू का ईमानदारी भी मानते होंगे।
मैं चाहता हूँ सब इसे रुख सक करने
जो भी आए अपने साथ कोई ना कोई तोहफा लाए, जिसकी जो मर्जी हो वो लाए, मगर मेरी जानिब से चादर जरूर लाए। बीबियां आना शुरू हुई, जो भी बीबी आती है कोई बुंदे साथ बिठा कर, कोई बालियां साथ बिठा कर, कोई कंगने साथ बिठा कर, कोई ईदे में चादरों का ढेर रख गया, चीड़िए चादरे ने कीमा रख देगा। हमारा एक कली से लिए इतनी चादर है, इमाम ने कश्मीरी रख ले। बहुत रहमती है,
कभी किसी को खाली हाथ की लौट आते कोई हाजत हो तो आ जाना मेरे पास मैं कहूँ के सामने
पीछे से कानों में आवाज आई, आए मेरा माता राम से, आए मेरा माता राम से, राम से। Thank you.